मित्रों हम लोगों का क्लास फर्स्ट क्लास खत्म हो चुका है और अब हम लोग जो है रेडी होने जा रहे हैं। रेडी होकर हम लोग जो है पटना और नया इनोग्रेशन प्रोग्राम के लिए निकलने वाले हो चुके हैं रेडी। तो मित्रों हम हो चुके हैं रेडी और हम अब निकलने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना बस, अब मेरा बस आ चुकी है। हम आपको बोलेंगे सरकारी नौकरी में इतना फैसिलिटी मिलता है, बहुत एकदम बहुत अच्छा है। फुल एसी बस दिया गया है और हम लोग को एकदम ट्रिप के रूप में जा रहे हैं पटना। बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही हम लोग खुश हैं और ये सब लोग जो है जा रहे हैं। देखिए तो हम लोग अब जा रहे हैं बस में सवार होने के लिए। तो चल, तो दोस्तों देखिए हम लोग जो है बस में सवार हो चुके हैं और सभी मेरा टीम जो है बस में आ चुका है और हम लोग अब प्रस्थान करने वाले हैं पटना के लिए। और हम लोग पटना इसलिए जा रहे हैं कि गांव का निरीक्षण कर सके, गांव का चूंकि हम लोग को डेवलपमेंट करना है। तो बहुत सारी बातें हैं ट्रेनिंग के दौरान, ये सब चीज़ सिखाई जाती है। गया के पंचायत सचिव है और मंत्री जी से मिलने पटना जा रहे हैं, पाटलिपुत्र अशोका होटल। हेलो गाइस, मैं धर्मेश कुमार कुमुद, पंचायत सचिव गया, अभी जा रहा हूँ मंत्री जी से मिलने। मेरे साथ जरूर जुड़े हैं क्योंकि अब बिहार के हर एक योजनाओं के बारे में आपको हम जानकारी देंगे जो जो आम जन के लिए काफी फायदा होता है। और भी बिहार के थ्रू जितने बाहर जाते हैं उसके बारे में भी जानकारी आपको दिया जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हो चुके हैं शुरू और आप देख रहे हैं कितना हरा भरा जगह है और इस जगह से हम लोग जो है जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, हम लोग JMD पटना रिजॉर्ट एंड होटल से अशोका होटल पाटलिपुत्रा के लिए रवाना हुए हैं। प्रशिक्षण के दौरान हमें मंत्री जी से और अन्य ऑफिसर से मिलने का मौका मिल रहा है। चुके हैं अब डेस्टिनेशन पर और हम लोग अब बस से उतर रहे हैं। यह है अशोका होटल का दृश्य, बहुत ही खूबसूरत। हाँ वाओ शानदार। गया एवं राजगीर से भी की जा रही है। दिनांक 22 अगस्त 2022 से दिनांक 17 सितंबर 2022 तक की अवधि में पंचायत सचिवों का यह प्रशिक्षण पटना, राजगीर एवं गया के विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों पर दिया जा रहा है। सभी प्रशिक्षु पंचायत सचिव जो पटना, गया एवं राजगीर से हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। पंचायती राज व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाता है। आप पंचायत की मिनी सरकार के रूप में काम करते हैं, तो जो काम केंद्र सरकार दिल्ली में करती है, राज्य सरकार करती है और जो तृतीय स्तर पर काम होता है वो मिनी सरकार के स्तर पर आप काम करते हैं। और सोचिए आज के इस बदलते परिवेश में जहाँ हर आदमी सुपर स्पेशलाइजेशन में छोटे छोटे सेल्स में काम कर रहा है, वहां पर आपको कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो आप विभिन्न प्रकार के जो प्रमाण पत्र होते हैं उस ग्राम के,
उस पंचायत के विभिन्न प्रकार के पंच प्रमाण पत्र हो जाते हैं। इनॉग्रेशन प्रोग्राम समाप्त हो चुका है और आप देख सकते हैं कि अब हम लोग की विदाई का जो है काम स्टार्ट हो चुका है और हम लोग अब जाने वाले हैं। प्रोग्राम खत्म हो चुका है, बहुत सारी बातें बताई हैं और ये बुक हम लोगों को दिया गया है जिसमें पंचायत सचिव का पूरा जो है फोन डायरेक्टरी दिया गया है। आप देखिए इसमें जो है फोन डायरेक्टरी दिया गया है सारे जिला के पंचायत सचिवों का, जो काफ़ी जो है महत्वपूर्ण चीज़ है। तो भाइयों हम आ चुके हैं इनॉग्रेशन प्रोग्राम से और बस में बैठ चुके हैं और फिर हम जा रहे हैं अपने ट्रेनिंग सेंटर पर और जो है देखिए सब जो है सीट टूटने के चक्कर में झगड़ा भी कर रहा है झगड़ा कर रहा है पंचायत सचिव जी, देखिए सबसे बुजुर्ग है तो झगड़ा कर रहे हैं। बुजुर्ग कैसे हो गए? नहीं सब साथ में है। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं, आ गए अपने सेंटर पर।